तू खा तू खा। Hey guys, good morning, welcome back to my new blog. फिलहाल अभी सुबह को 10:30 के ऊपर हो चुकी है। बस हम बाड़ी में पानी दे रहे थे तो पाइप लगा के पानी दे रहे थे। मैं पाइप लेके आया था, 300 फुट पाइप लेके आया था, शॉर्ट हुआ थोड़ा, तो जा रहे हैं अभी थोड़ा पाइप लाने के लिए। देखते हैं मार्केट में मिलता है कि नहीं लूज। तो चलिए अब निकलते हैं, बापी और मैं जा रहे हैं। और चलिए लेके आने के बाद पानी लगाएंगे हमारा दूसरा बाड़ी में। तो फाइनली बाजार से आ चुके हैं और बाजार से हमने पाइप भी लेके आ गए। ये देखिए तो एक पाइप से जति खेल रहा है, देखिए उसके अंदर घुस के खेल रहा है। जति है इता भारी बन नहीं चुका, गुगू पाइप के अंदर घुस गया है और ये निकल नहीं पा रहा है। देखिए वो निकल गया, तो ये वाला पाइप लिया है और दूसरा पाइप भी लिया है, दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये देखिए, तो ये वाला पाइप भी लिया है। ये वाला जो पाइप है ना, तो हमने एक बंडल लिया था तो थोड़ा शॉर्ट हुआ, तो इसलिए ये 60 फुट का ऊपर है, तो इसे लेके आए अभी। तो चलिए ये जो पाइप है हम लोग दोपहर को फिट करेंगे खेत में। तो हमारा जो दूसरा साइड है, हमारा एक बाड़ी है, तो वहाँ पर पौधा लगा है, टमाटर बैंगन वगैरह लगा है, तो वहाँ पर ये पाइप जोड़ के पानी लगाएंगे। देखिए भाभी अभी बना रहे हैं दोपहर के लिए, लंच तो बन चुकी है, भात बन चुकी है और अभी करी बना रहा है। दोपहर में बनी है डालमा, डालमा बनी है, डालमा में आलू भजा। तो रास्ते के आने के टाइम हमने एक आलू का बुरा लेके आ गए, क्योंकि हमारा यहाँ पर रिटेल में मिलता है आलू 25 रुपया किलो, तो हमने लेके आया 12 रुपया किलो हिसाब से लेके आया एक बुरी आलू। देखिए ये 44 केजी है, 44 केजी है, तो ये हमको पड़ा कि 550 रुपया पड़ा। बस हम लेके आ गए, तो चलिए अभी थोड़ा नहा धो के फ्रेश होते हैं, फिर खाएंगे। खाने के बाद जाएंगे थोड़ा बाड़ी में पानी चढ़ाएंगे। जो हमारा टमाटर और बैंगन का पौधा लगा है तो 7-8 दिन से पानी नहीं दिया है, तो ये पाइप लगा के पानी चढ़ाएंगे। फिलहाल अभी हम जाएंगे ये पाइप लेके जाएंगे, वो आधे रास्ते में जो खत्म हो गया था पाइप वहां से जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए हमने एक बाम्बो का पाइप लिया है, तो उसे वहाँ पर लगा के तो जोड़ेंगे। तो चलिए तो वहाँ पर जोड़ते हैं, जोड़ के पानी चलाएंगे।
तो फाइनली हमने पाइप जोड़ लिया है, बस अब जाते हैं घर में तो सेलू चलाते हैं। तो सेलू मोटर चलाने के बाद हमारा सेलू के पास एक लॉक है, तो उसे मोड़ेंगे, मोड़ के आ जाएंगे फिर खेत में। तो चलिए निकलते हैं। तो फाइनली हमने सेलू चला दिया है, बस देखिए। तो यहाँ पर एक जंक्शन है, ये वाला जंक्शन है, इसे हम मोड़ेंगे, नहीं तो अभी पानी जा रहा है ऊपर छत के ऊपर, इसे मोड़ेंगे तो इस साइड पानी चलेगा। तो देखिए हम मोड़ रहे हैं अभी, ये देखिए इसमें पानी चला, देखिए चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए पाइप एकदम भर भर के जा रही है पानी, वो खुद उठ के आ गया और मुझे बोला कि गोद में ले, नहीं तो जान नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं उसे गोद में उठा लूँगा, उठा लिया। तो चलते हैं अभी खेत में। तो हम तो ज़ोर ज़ोर से जा रहे हैं क्योंकि पानी तो एकदम तेज़ी से जा रहा है। देखिए ये हमारा बाड़ी है, देखिए बाबू जी ने यहाँ पर साग तला बनाया है, देखिए साग का दो बेड बनाया है, ये एक बेड और वहाँ पर एक बेड। देखिए यहाँ पर ये देखिए ये मिर्ची का पौधा लगी है और ये बैंगन का, और इस साइड टमाटर, देखिए टमाटर का पौधा, तो इस साइड फूलगोभी वगैरह लगी है, ये देखिए। हमारा सेलू का पानी एकदम स्वादिष्ट है, बहुत मीठा पानी आ रहा है। तो देखिए पाइप हमने यहाँ से एक प्लास्टिक पाइप लगा लिया है, तो उस साइड पानी जा रहा है। एकदम तेजी से आ रहा है पानी। यहाँ से एक लगाएंगे मिट्टी बड़ा वाला, गेलू पानी दे रहा है। बाड़ी में पानी दिया, खत्म हो गया, बस अभी जा रहे हैं हम। और जाने के बाद पाइप भी थोड़ा निकलना है। तो फाइनली अभी शाम हो चुकी है, बस बनाते हैं मैगी। तो मैं बनाऊंगा सबके लिए मैगी, तो हमारे घर में जितने भी लोग हैं, देखिए मैगी बनाने के लिए मैंने मैगी ले लिया है, देखिए तो मैंने मैगी ले लिया है, साथ में ये प्याज, बस बनाएंगे मैगी और प्याज डाल के। तो चलिए बनना शुरू करते हैं। एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे, बस इसमें डाल देते हैं अभी मैगी मसाला। देखिए
सबको खिलाऊंगा आज, मेरे हाथ का मैगी आज सब लोग खाएंगे। चलिए एकदम मस्त बनी है मैगी, देखिए हमारा मैगी बन चुकी है। गेरलू सारा कटोरी लेके आ चुका है, ये देखिए चम्मच और कटोरी लेके आ चुका है। तो जति खा रही है मैगी, गुगु गुगु बापा गुगु मैगी 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 खा तो ना गुगु बापा। ज्योति को उसको मम्मी खिला रही है मैगी। फाइनली अभी टाइम हो रहा है रात को 10:30। भाभी सबके लिए डिनर बना चुकी है, बस डिनर में खाते हैं रोटी और आलू भजा, साथ में एडिटिंग स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग को, यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और अपना माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय। वो क्या खसरी दियो।